नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यह है देखो आईफोन एक्स आईओएस फ़ोन है और यह है एंड्रॉयड वन प्लस नॉट। तो आपको अगर ये आईओएस फ़ोन में आपको एप्पल से अगर एंड्रॉयड में कोई चीज़ ट्रांसफ़र करना है तो आप कैसे करेंगे? तो सिंपली आपको सबसे पहले जियो स्विच ऐप डाउनलोड करना है। दोनों फ़ोन में जियो स्विच ऐप डाउनलोड करना है। यहाँ पर जियो स्विच आपको डाउनलोड करने का, मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ। तो डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली सेंड पे क्लिक करना है, जो आपको सेंड करना है। और आपको यहाँ पे जो जो आपको चाहिए, अगर वीडियो चाहिए तो वीडियोस पे क्लिक कर सकते हो, फोटो चाहिए तो फोटोज पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको ये पूरा वीडियो या फोटो देखो, इसको टाइम लगता है, इसकी वजह से आप खाली ये जो जो चाहिए आपको उसको सिलेक्ट करके आपको सिंपली सेंड पे क्लिक करना है। सेंड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रिसीव पे क्लिक करना है। और ये देखो यहाँ पे कहना है रिसीव डेटा फ्रॉम आईफोन। रिसीव डेटा फ्रॉम आईफोन पे अपने क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपने iOS फ़ोन में सेटिंग में जाना है और वाईफाई पे क्लिक करना है। वाईफाई क्लिक करने का देखो एक डेटा, ये देखो यहाँ पे ये नाम है, ये नाम यहाँ पे आया। और आपको ये पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद आपको सिंपली आप अपना जियो स्विच ऐप ओपन करना है। और ओपन करने के बाद सिंपली आपको क्लिक करना है। देखो अब ये डेटा पूरा ये iOS से आपको एंड्रॉयड में चला जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सच सो मच। सब्सक्राइब करना भूलना मत।